मंगलवारम दोस्तों, ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि लगभग 2.5 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक छोटे से गाँव के अंदर जहाँ पर रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही है। यानी कि होता है क्या कि एक छोटा सा गांव होता है और वहां पर मंगलवार के दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही होती है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या होता है और आखिर कौन इन लोगों को मार रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा राज होता है जिससे कि पूरा गांव डरा सहमा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की होती है जिसके साथ में कुछ अजीबो गरीब मिस्टीरियस चीजें होती रहती है। यानी कि वो जो लड़की है ना दोस्तों, वो इस मूवी की जान है। अब देखना यह है कि भाई वो जो लड़की है और दूसरी तरफ जो गांव के अंदर हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है और इन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो आखिर क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, ये जो मूवी है ना, ये एक मास्टरपीस मूवी है। यानी कि इस मूवी के अंदर जो एक डरी सहमी लड़की का कैरेक्टर जिसने निभाया पायल राजपूत, भाई उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि आप उसकी परफॉर्मेंस से पूरी मूवी के एंड तक कनेक्ट रहोगे और आप उससे इस तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे ना दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब जब वो लड़की सामने आएगी और जो वो रोती है, भिलकती है और जो चीजें आपको देखने को मिलेगी, भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस लड़की की एक्टिंग आपको ऐसा एहसास करा देगी कि ऐसी चीजें आपके आसपास हो रही है, असलियत में हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उसके लिए। इस मूवी का जब क्लाइमेक्स आता है तो आप हैरान होने वाले हो और मूवी की जो एंडिंग है भाई, आपका पूरा दिमाग ही घूम जाएगा एंडिंग देख के। आप सोच ही नहीं पाओगे कि भाई ये क्या हो गया। और वहीं जो मूवी का स्क्रीन प्ले है भाई, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूवी के अंदर बोर हो रहे हो। आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना इस मूवी को देखने में, आप भाई पूरी तरीके से इमोशनली खो जाओगे मूवी के अंदर। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 9/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।